आज हमारे साथ श्रीमती व श्री अनुपम श्रीवास्तव जी हैं, जो यहाँ गोमती नगर में श्री श्री दुर्गा पूजा का आयोजन विगत 14 वर्षों से अनवरत कर रहे हैं। आइए उनसे पूरी जानकारी लें, बताइए। ये हमारी कमेटी का नाम है श्री श्री सरली दुर्गा पूजा कमेटी, और पिछले 14 वर्ष से हम लोग कार्यक्रम करा रहे हैं और पब्लिक के सहयोग से कराते हैं। हम लोग का थीम ये है कि महिलाओं को आगे करें, तो महिलाओं को आगे करने के संदर्भ में हमारी जो प्रथम अध्यक्ष हैं नीरा सिन्हा वर्षा जी हैं, आपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, और हमारी प्रथम सचिव महासचिव भी दीपिका उकील जी रही हैं, और वो कमेटी में मान के चलिए 50% महिलाओं का योगदान रहा हमारी कमेटी में। और हम लोग इस पूजा को बंगाली पैटर्न पर कराते हैं, जिससे कि इस तरफ फेज टू में जब लोग आए थे नए नए आज से 15 साल पहले, तो कोई पूजा नहीं होती थी, तो विवेकखंड के अलावा कहीं नहीं होती थी। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया कि एक बंगाली पूजा का प्रारंभ करें, इसके लिए हम लोगों ने बंगाल से ढाकी पुजारी मंगाए, बंगाल से ही मूर्तिकारों को बुलाया, और समाज के सहयोग से सारे बंगाली समाज को जोड़ा गया। तो आज ये समाज के सहयोग से बहुत भव्य पूजा हो रही है, और हम चाहते हैं कि आप सबका आशीर्वाद बना रहे, माता जी का आशीर्वाद बना रहे। मैम आप कुछ बताइए, आप सबसे पुराने संस्थापकों में से हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय हो। आज हम श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के 14 वर्ष पूर्ण, कहा जाइए 14वां वर्ष है हमारा, और माता का आगमन बड़ी धूमधाम से हुआ। कहते हैं समय के साथ में परिवर्तन का आना जरूरी है। जो हमारी संस्कृति की बात कहें, अगर वेदों में भी कहा गया है कि यत्र नार्यस्त पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो देवियों की हमारे भारत में शुरू से पूजा होती आई है। बीच के खंड काल में कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे महिलाओं का, कहा जाए, शोषण मानसिक रूप से, चारित्रिक रूप से, हर रूप से, कहा जाए गर्भ से, कहीं से भी उसका शोषण ही होता चला आया। पुनर्जीवित करने का कार्य हमारे समाज के बहुत बड़े बड़े समाजसेवियों ने किया। अब हम लोग की बारी है, क्योंकि भारत में इस बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 33% आरक्षण महिलाओं के लिए जो निर्धारित किया हम लोगों के लिए, ये बेहद खुशी की बात है, क्योंकि नारियां जहां साथ में चलती हैं वहां समाज बहुत ही सुंदर बनता है। घर के अंदर तक पैक होने की वस्तु नहीं है, कहा जाएगा एक महिला समाज को संस्कार देने की, कहा जाए, शक्ति रखती है। वो शक्ति हमारी दुर्गा पूजा लेके चल रही है। हमारी दुर्गा पूजा में हम अभी तक अध्यक्ष का रोल अदा कर रहे थे, जो एक, कहा जाए, दायित्व के साथ निर्वहन करना होता है, लेकिन हमने लिपिका उकील को, क्योंकि वो महासचिव थी हमारी और एक महिला को ही हमें आगे बढ़ाना है, तो हमने लिपिका उकील को आगे रखा और उसको इस बार अध्यक्ष बना करके आगे 3 वर्षों से गति के साथ में बढ़ा करके लाए हैं। और हमारी पूजा में पूरा पूजा का जितना भी कार्य है, चाहे भोग है, चाहे पूजा का सामान है, चाहे पूजा करना है, टोटल सारा कुछ महिलाएं संभालती हैं। व्यक्तियों का आना जाना, उनसे मिलना, हमारा भोग भंडारा हमारी अंजलि जी संभालती हैं, जो माँ का भोग लगता है, अंजलि चक्रवर्ती जी। वही गंगाधर दादा जी हैं जो मुख्य रूप से जो बड़ा भंडारा होता है, जो सप्तमी अष्टमी नवमी चलता है, वो हमारा भोग भंडारा सुबह के समय सभी के लिए, जनमानस के लिए खुला होता है कि सौहार्द का भाव लाए, और शक्ति का एक प्रदर्शन जो होता है वो हिंदू संस्कृति को दर्शाते हुए वो हमारी ये संस्था कर रही है, और एकता के भाव के साथ में हम सब मिलके चल रहे हैं। विकल्प खंड 2 ही नहीं, ये हमारा पूरा गोमती नगर फेज 2 की बड़ी पूजा है, और सबके सहयोग से, जनमानस के, कहा जाए, रति रति सहयोग से ये पूजा का जो स्वरूप बन के आया है, हम चाहेंगे हमारे क्षेत्र की जो भी जनता है वो इसको और सहयोग करके बड़ा स्वरूप दे, और श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी इतना सुंदर रूप लेकर के आए कि एक मिसाल हो पूरे उत्तर प्रदेश में कि महिलाओं द्वारा ये संचालित पूजा, आज इसमें पुरुष भी हमारे साथ में हैं, बहुत भव्य रूप से काम कर रही है, और इसमें एकता का भाव है, इसमें प्रेम है, इसमें एक साथ चलने की शक्ति है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय माता दी। हमारे साथ आज इस पूजा कमेटी के अध्यक्ष लिपिका जी हैं, वो आज हमें इस पूजा कमेटी के संदर्भ में विस्तृत अपना बताएंगी कि क्या कार्यक्रम इस पूजा में चल रहा है। बोलूँ
ये पूजा हम लोग षष्ठी से शुरू होती है पूजा, चतुर्थी का दिन हम लोग मूर्ति लेकर आते पंडाल में। तो दो वर्ष जैसे कोरोना हुआ था उसमें पूजा बहुत हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन मंदिर में छोटा मोटा किया था। लेकिन इस साल हम लोग बहुत मेहनत किया है, दो महीने मेहनत करके पैसा कलेक्शन करके तो इतना अच्छा पूजा हम लोग करा रहे हैं। बहुत लेडीज लोग हम लोग का साथ जुड़ा हुआ है, सब मिल के हम लोग मेहनत करके ये पूजा किया। বাংলাতে বলুন। আমরা সব মহিলারা মিলে পুজো করছি, 14 বছর ধরে করছি, সবাই আমাদেরকে নিয়ে হেল্প করছে, সাহায্য করছে, তার জন্যই এত পুজোটা আমাদের এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা এক অন্যের সাহায্য ছাড়াই পুজোটা কখনোই করে উঠতে পারতাম না। আপনি বেসিক্যালি কি করেন এর আলাদা? আমাদের পটারি আছে, পটারি বিজনেস আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এরা সবাই আমার সঙ্গে একসঙ্গে মিলে আমরা চাঁদা কাটতে যাই, পয়সা কালেকশন করেছি এইভাবেই। এক একজন করে পরিচয় করিয়ে দিন। পুষ্পা সিং, ক্যাশিয়ার। জি, নেক্সট। হম, গীতা যাদব, বাল কাটিং। ये क्या हुआ? प्रशांत, मतलब ये आपने मुंबई भाषा में बताया। जी, 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 आ, आप মানে কালেকশন স্পেশালিস্ট হচ্ছেন আপনি। আপনি কি করেন এখানে কমিটিতে, আপনার কি আপনার বিষয়ে কোনো স্পেশালিটি? কিছু তো করি না, আপনি বলুন যেমনি ভাবে বলতে পারেন সেমনি ভাবে বলুন। আজ অষ্টমী পুজো হয়, আমি বাঙালি ভাই। অষ্টমী পুজো সকালে হয়ে গেছে, বিকেলে সন্ধ্যে পুজো হয়েছে। 5-6 বছর ধরে আমাদের কালী পুজো করছে, 5-6 বছর পুজো করেছি। জয়দীপ চক্রবর্তী খুবই ভালো পণ্ডিতজি, স্বভাবও খুব ভালো, আমাদের সঙ্গে আছে। এখানকার কালীবাড়ি গিয়ে পুজো করে, কালীবাড়ি পণ্ডিত রয়েছে। আপনি লক্ষ্মী পূজা এই হতি বলো, ভোগ আমি বানাই বলো, আমাদের মায়ের ভোগ ইনি বানাই, বাংলায় মায়ের ভোগ বানাতি, বাংলাতে বলুন, বাংলায় বলুন। আমি ভোগ বানাই মায়ের, আজ কয়েক বছর ধরেই বানাচ্ছি। চাঁদা আপনি কত কালেক্ট করে নেন প্রত্যেক বছর, পার্সেন্টেজ কত? আমি এটা মানে কালেক্ট করি অত আমরা হিসাব করি না, ওটা পরে হিসাব করা হয়। এই বছর থেকে আপনি এটা রাখবেন টার্গেট যে সামনের বছরেতে, হ্যাঁ হ্যাঁ, এই বছরে যতটা আপনি কালেক্ট করেছেন তার থেকে 10% বেশি করেন। আর খাসতর পর নন, আর খাসতর পর নন বেঙ্গলিজ দের টার্গেট করবেন, ওরা বেশি অনেক অনেক নন বেঙ্গলি, সবাই সবাই নন বেঙ্গলি।
নাহলে তো পকড় পকড় আমাদের এই পূজোতে শ্রী শ্রী সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটিতে হিন্দু মুসলমান কোনো ভেদাভেদ নেই, কারণ যেরকম হিন্দু আমাদেরকে চাঁদা দেয় ওরকম মুসলমানও দেয় এবং মেম্বার্সও আছে আমাদের কমিটিতে। সেই জন্য বলতে চাই হিন্দু মুসলমান কখনো ভেদাভেদ করবেন না, সব আমরা এক, এক রক্ত এক মানুষ, কেন ভেদাভেদ করবেন? এটা আপনি কেমনি করে বলতে পারেন, কি ইনস্ট্যান্স আছে যে আপনার মুসলিমরা আপনাকে বেশি সাপোর্ট করেছে? হ্যাঁ সাপোর্ট করেছে, কারণ আমরা যখন চাঁদা কাটতে গেছি আমরা হয়তো নিজের মনের থেকে ভেবেছি যে আরে না এটা মুসলমানের বাড়ি আছে এর বাড়িতে চাঁদা নেবো না, আমরা সেই বাড়িটা ছেড়ে অন্য বাড়িতে গেছি, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখছি সেই বাড়ি থেকে ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এসে বলছে কেন আমাদের বাড়ি থেকে চাঁদা নেবেন না, আমরাও তো দেবো। প্রথমে 100 টাকা নিয়ে এসে বেরিয়ে দিল, তারপরে কি মনে হলো ভেতরে গিয়ে আবার 500 টাকা নিয়ে এসে আমাদেরকে দিল। তো এটা আমাদের জন্য অনেক বড় ব্যাপার। এরকম আরও একটা আছে যে 5000 আমাদেরকে দিয়েছে, হেল্প করেছে যে না না এত বড় পুজো আপনারা করাচ্ছেন 5000 টাকা রেখে দিন, এর চাইতে বড় জিনিস আর কিছু হতে পারে না। থ্যাংক ইউ। पिछले 10 सालों से पूजा करा रहे हैं और पूरी कोशिश रखी है कि सब सिस्टमेटिकल से हो, यहाँ तक कि लोग आवे उनको कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए व्यापार स्तर पर व्यवस्था की गई है, कैमरे भी लगवाए गए हैं और साथ में जो है आरती होगी और महिलाओं के बैठने की व्यवस्था, जेंट्स के बैठने की व्यवस्था भी प्रॉपर उन्होंने की गई है और सभी लोग आ रहे हैं आराम से करें, पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है, हर तरह की सुविधाएँ दी जा रही है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग की कोशिश होगी कि अगले साल जो है और बड़े स्तर पर इसको किया जाए। हम लोग जो पिछले 10 सालों से पूजा करा रहे हैं और पूरी कोशिश रखी है कि सब सिस्टमेटिकल से हो, यहाँ तक कि लोग आवे उनको कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए व्यापार स्तर पर व्यवस्था की गई है, कैमरे भी लगवाए गए हैं और साथ में जो है आरती होगी और महिलाओं के बैठने की व्यवस्था, जेंट्स के बैठने की व्यवस्था भी प्रॉपर उन्होंने की गई है और सभी लोग आ रहे हैं आराम से करें, पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है, हर तरह की सुविधाएं दी जा रही है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग की कोशिश होगी कि अगले साल जो है और बड़े स्तर पर इसको किया जाए।